छह देशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी, आईएटी बोला निराशाजनक फैसला, एयर ट्रेवल्स पर बुरा असर होगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार एक्टिव नजर आ रही है। केंद्र ने गुरुवार को छह देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया है। 1 जनवरी से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। एयरलाइंस के ग्रुप आईएटीए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को निराशाजनक बताया है। आईएटीए ने गुरुवार को कहा कि भारत में इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कोरोना टेस्टिंग फिर शुरू की गई है। यह फैसला निराशाजनक है क्योंकि अभी की स्थिति तब से बहुत अलग है। जब महामारी की शुरुआत हुई थी, लोग कोरोना टेस्टिंग कराने से बचते हैं, इसलिए सरकार के फैसले का एयर ट्रेवल पर बुरा असर होगा। कोरोना की एडवांस तैयारियों को लेकर मनसुख मंडाविया और फार्मा कंपनियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन और स्टॉक को लेकर बातचीत हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई से आने वाले पैसेंजर्स के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ डोज पार कर गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज फ्री देने की घोषणा की है। ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले मंगलवार को ताजमहल पर अर्जेंटीना से आए पर्यटक के सैंपल लिए गए थे। सैंपल जांच के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। बुधवार को पर्यटक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक पर्यटक लापता है। स्वास्थ्य विभाग उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। पर्यटक ने कोरोना सैंपल लेते समय फर्जी मोबाइल नंबर लिखवा दिया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।